नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। प्रेम में कत्ल, कॉलेज में घुसते ही लड़की को चाकुओं से गोद दिया, फिर खुद को भी कर लिया घायल। देखें कि विस्तार से बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बैंक से 2 लाख के सिक्कों से भरे बैग चोरी, दो गिरफ्तार। देखें कि विस्तार से बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नड्डा आज महाराष्ट्र में 2 रैली को संबोधित करेंगे। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रेम में कत्ल, कॉलेज में घुसते ही लड़की को चाकुओं से दिया गोद, जी हाँ, फिर खुद को भी कर लिया घायल। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक कॉलेज के अंदर एक लड़की की सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। लड़की की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है, साथ ही हमलावरों ने भी सुसाइड करने की कोशिश की है। कहा है कि मामला घटना सोमवार की है, जब बेंगलुरु प्रेसिडेंसी कॉलेज में एक 19 वर्षीय लड़की की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हमले के बाद हमलावरों ने भी खुद की जान लेने की कोशिश की, हालांकि उसकी जान बच गई और उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। लड़की को बचाने की कोशिश मिली। जानकारी के अनुसार हमले के बाद वहां मौजूद गार्ड्स ने लड़की को बचाने की जमकर कोशिश की। जी हाँ, लड़की को तुरंत एम्बुलेंस में बैठाकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाहरी था हमलावर, जी हाँ, मृतका की पहचान लस्मिता के रूप में हुई है, जो बेंगलुरु ग्रामीण स्थित कॉलेज की छात्रा थी, जबकि हमले के लिए जिम्मेदार लड़के का नाम पवन कल्याण है। आरोपी दूसरे संस्था का छात्र का था और लाइसमिया को मारने की इरादे से ही यह पहुंचा था। हत्या के तुरंत बाद आरोपी युवक ने खुद को भी चाकू मार लिया, जिससे वो भी गंभीर रूप से घायल हो गया। प्यार का मामला, जी हाँ, घटना को देखते हुए दावा किया जा रहा है कि ये प्यार का मामला है। कहा जा रहा है कि लड़की से हमलावर प्यार करता था, लेकिन लड़की उसे दूर रहना चाहती थी, इसलिए उसने लड़की को मार डाला। हालांकि पुलिस ने अभी हत्या के कारणों की जानकारी नहीं दी है। बैंक से 2 लाख के सिक्कों से भरे बैग चोरी, दो गिरफ्तार। जी हाँ, पालघर में 29 और 30 दिसंबर की मध्यरात्र एक बैंक में घुसकर 2 लाख रुपए मूल्य के सिक्के चुरा लिए गए। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक बाला साहब पाटिल ने बताया है कि चोरी एक राष्ट्रीयकृत बैंक की बोईसर शाखा में हुई है। बैंक में चोर एक खिड़की के लोहे की ग्रिल को हटाकर और हवा निकासी पंखे एग्जॉस्ट फैन को तोड़कर कोष कक्ष स्ट्रॉन्ग रूम में घुसते थे। उन्होंने 20 रुपए के सिक्कों में 2 लाख रुपए के 4 बैग चुरा लिए। पुलिस द्वारा विभिन्न सुरागों पर काम करते हुए शुक्रवार को दोनों से सलवार शिवाजी नगर इलाके से गिरफ्तार किया गया। उनसे लूटी गई राशि में से 1.80 लाख सिक्के बरामद कर लिए गए हैं। नड्डा आज महाराष्ट्र में 2 रैली संबोधित करेंगे। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महाराष्ट्र से 18 मुश्किल सीट जीतने की पार्टी की योजना के तहत सोमवार को, यानी आज, चंद्रपुर से अभियान की शुरुआत करे हैं। भाजपा के एक नेता ने रविवार को बताया कि नड्डा पूर्वी महाराष्ट्र के चंद्रपुर और मराठवाड़ा क्षेत्र के औरंगाबाद में रैली की संबोधित करेंगे। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा चंद्रपुर सीट से चुनाव हार गई थी और कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। फिलहाल महाराष्ट्र में कांग्रेस के पास लोकसभा की यही एकमात्र सीट है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीट है। जी हाँ, भाजपा के जिला अध्यक्ष देवराव भोगले ने कहा कि नड्डा 2 जनवरी को चंद्रपुर में एक विशाल विजय संकल्प रैली के साथ चुनावी अभियान की शुरुआत करे हैं। उन्होंने कहा कि नड्डा यहां देवी महाकाली के प्रसिद्ध मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंक, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे YouTube पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार।